आप सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को, देश की सारे बहनों को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का ये त्यौहार है, चंदन झा जी प्रणाम प्रणाम। बस दिन भर तो समय बीता, लेकिन सोचा अरविंद कुमार मल आ गए, हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए इतना लोग जुड़ गया, और इसमें जो जुड़ना चाहेंगे वो हमसे जुड़ भी सकते हैं। मतलब इसमें जुड़ने का ऑप्शन है कि आपका भी फोटो इधर साइड में, सुनील यादव, सिंगर नीतू श्री, यश कुमार जी, क्या बात है, थैंक यू, अरविंद कुमार मल, क्या स्माइल है। स्माइल की बात है तो मैं टोपी पहन ले रहा हूँ, देखिए। अब बताइए जी, अरविंद बाबू कैसे हैं? सबको रक्षाबंधन की हार्दिक सभा। राज वर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जय श्री राम की बात आ रही है तो बस दो दिन और बाकी है। परसों सिंगर शैलेश शुक्ला जी, हैप्पी रक्षाबंधन। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या बात है, राखी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट, इतना लोग देखने लगे, इतने गए रात में, लगता है कि सब लोग खाना पीना खा के फुर्सत में बैठ गए। सिंगर कुमार जितेंद्र जी जी, थैंक यू, जय श्री राम। तो राम जन्मभूमि में अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है, और वहाँ पे शिलान्यास होगा, शुरुआत होगी मंदिर बनने का, जिसमें 22 किलो 600 ग्राम, आदित्य शुक्ला जी नमस्कार जी सर जी, 22 किलो 600 ग्राम का वो चांदी का जो है ईंट, पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहला ईंट रखेंगे। स्मिता बेवफा, ओहो हाय सर, आई एम राइटर चंदन प्रकाश, क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद। सतेंद्र सिंह सजनवा, सहजनवा, ओहो हैप्पी राखी बंधन रक्षाबंधन। सिंगर नीतू श्री जी, सुपर, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। आज नीतू श्री जी आप जुड़ सकते हैं कोई भी इसमें। सिंगर डिम्पी मिश्रा, क्या बात है, सबको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप कोई भी लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। आप पहले मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा, जैसा ये है, और इसमें एक बटन आता है, हम जिसको चाहेंगे, नीतू श्री जी को कर रहे हैं, देखिए कहीं अगर जुड़ना। विजय वर्मा जी, नीतू श्री जी सुन रही हैं हमारी बात को, ये कहा गया नाम इनका, मैं देख रहा हूँ, नीतू जी, नीतू जी को मैं ये करता हूँ, और कैसे करना पड़ता है पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसमें शायद अलग से कुछ करना पड़ता है, हाँ ऐसा करना पड़ता है, मैं करता हूँ। नहीं हो पा रहा है। अच्छा नीतू जी उधर से आप हमको रिक्वेस्ट भेजेंगे तब जाकर होगा जी, आप उधर से रिक्वेस्ट भेजिए अगर बैठे हो सही जगह तो। डिम्पी मिश्रा जी सभी लोग देख रहे हैं, पम्मी गुप्ता जी, पवन कुमार, शैलेंद्र कुमार जी, ओहो थैंक यू, नंदलाल, नंदलाल दास, नितेश कुमार, ओह हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी मित्रों को। राम जुलुम सहा, सिंगर कुमार जितेंद्र, बहुत कमेंट आ गया, सिंगर बाबा मिश्रा, अंकित बाबा मिश्रा, स्मिता, मनोज सिंह सैथवार, ओहो क्या बात है, नमस्कार, सबको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, राखी की ढेर सारी बधाइयाँ जी। नीतू जी आप, आपके बगल में एक ऐड होने का एक जगह इसमें है, आप चाहेंगे तो साइड में आप भी, आपका फ़ोटो दिखने लगेगा, आप यहाँ पे ऐड का आपको भेजिए, मैं इधर से ओके करूँगा तो वो हो जाएगा, आप उधर से भेजिए, रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। आपके बगल में नीचे जो है ना, सिंगर कुमार जी एक्सेप्ट कीजिए सर कॉल, अच्छा कॉल, कॉल कैसे एक्सेप्ट होगा ये पता नहीं है क्या चक्कर है, लेकिन ऐसे नहीं होता है,
रिक्वेस्ट आप लोगों को भेजना पड़ेगा, आप लोग जिनको भी जुड़ना है आप उधर से भेजेंगे तो इधर से हम एक्सेप्ट करेंगे। इसमें ऑप्शन है बगल में, रिक्वेस्ट गया, अच्छा रिक्वेस्ट गया, कैसे जाता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आया नहीं, रिक्वेस्ट किधर गया, अलाउ व्यू टू सेंड योर रिक्वेस्ट ज्वाइन ब्रॉडकास्ट, यू कैन ऐड एनी पॉइंट। रुक जाइए, अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, चक्कर क्या है जी। आदित्य शुक्ला जी प्रणाम, आपको भी कुछ दूसरा हिसाब किताब होगा तब। भेज दिया हूँ भैया, अच्छा लेकिन इधर शो नहीं कर रहा है, कुछ दूसरा रिक्वेस्ट टू बी योर ब्रॉडकास्ट। कुछ लोचा लग रहा है, या तो जी मुन्ना बजरंगी जी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और सब बताइए, कैसे आज का रक्षाबंधन बीता, क्योंकि अभी कोरोना का लफड़ा है गया नहीं, और इसी में रक्षा बनाया है, बच्चे लोग बांधे घर से तो आ नहीं पाया था, कुरियर हुआ नहीं। ये रक्षाबंधन का त्योहार जो है ना बड़ा पावन पर्व है, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। एक कोख से, माँ के एक कोख से भाई बहन जो जन्म लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा कर्म पुण्य जब एकत्रित होता है तो हम एक कोख से भाई बहन जन्म लेते हैं, और उसके लिए उस बहनों के लिए एक दिन साल भर में एक दिन आता है कि रक्षा सूत बांधती है। देखिए भावना, रक्षा सूत आपकी रक्षा के लिए, भाइयों की रक्षा के लिए वो सूत बांधती है, ताकि हमारे भाई की रक्षा हो, हमारे भाई पे बुरी नज़र ना लगे। हमारे ये रक्षा विजय सूत है, ये किसी भी युद्ध में रण में जाए तो हमारा भाई विजय हो के आए, और इसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। आज का फैशन है कि कुछ रुपये पैसे लोग दे देता है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसका बड़ा महत्व है। इस धागे के महत्व में रक्षा सूत तो बांधती वो है, लेकिन बदले में वो कहते हैं कि हमारे प्रतिष्ठा पे, हमारे इज्जत पे अगर कोई आफत आए तो बस उस समय हमारी रक्षा करना, यही चाहत होती है बहनों की बड़ी श्रद्धा से। उनके लिए एक ही पर्व है ये, कि उनके मन में बड़ी खुशी होती है। आज हर लड़कियों से पूछिए, भले शादी हो गई है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन एक दिन आता है कि लगता है कि मेरा भाई मेरे पास रहता। आज कई साल हो गया, मेरा भी दुर्भाग्य है कि हमारी कोई भी बहनें, गोपाल पाठक जी, कुमार हरिशंकर कुमार जी, नमस्कार आप लोगों सभी को, धन्यवाद सभी मित्रों का, बहुत मित्रों का मैं नाम नहीं ले पाया, गौतम राय जी क्या बात है। तो ये ऐसा संजोग नहीं बना कि हमारी बहन हमारे पास हो, कई बार हर बार राखी भेजती हैं तो यहाँ बच्चे लोग बांध देते हैं, और इस कोरोना के चक्कर में इस साल राखी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, राखी हम कल खरीदवा के परसों और आज बंधवा लिए बच्चे से। तो बड़ा ये पावन पर्व है, आज के दिन हर घर में खुशी होती है, और रिश्ता को कायम रखना हम लोग का कर्म है, हम लोग का फर्ज है, हर इंसान का कर्म है
कि उस रिश्ते को निभाए, उस पवित्र रिश्ते को। इंडी सिंह देखिए हमारी दीदी आ गई, पास में रहती तो मैं आपसे राखी बनवा लेता, लेकिन इन द मॉर्निंग, एकदम अर्ली टू मॉर्निंग, सुबह में ही इंडी सिंह का दीदी है, विदेश में रहती हैं, लगभग 5:30 या 6 बजे इनका मैसेज आया मैसेंजर पर राखी समेत कि हैप्पी रक्षाबंधन और मुबारक। हमने भी रिप्लाई किया जवाब में, तो मैं अपने इस दीदी को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारी 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी बहन हमारी है उर्मिला देवी, उसके बाद गीता देवी और छोटी बहन है सीता। तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों अपना घर संभाल रही हैं, परिवार, बच्चे, पति को। और यहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, घर पे माँ और भाई हैं। नौशाद अली राहत, क्या बात है, हैप्पी रक्षाबंधन ब्रदर, ओहो थैंक यू, धन्यवाद इंडी सिंह, हैप्पी रक्षाबंधन। जी 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 जी, सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। सभी को मैसेज मैं एक बार फिर भेज देता हूँ, वही मैसेज मैं फिर इसमें भेज देता हूँ। जी, राखी धागों का त्यौहार है। माई लव टू यू भैया, सेम टू यू, माई लव टू यू बहना। संजीत शिकारी, एक आध गाने जो रक्षाबंधन पे, खैर हजारों लाखों गाने बने हुए हैं, एक आध गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी बहना दीवानी है पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया, बहुत सारा गाना रक्षाबंधन पे है। चंदारे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे ओ चंदारे, मेरे भैया से कहना बहना याद करे ओ चंदारे। बड़ा ही इमोशनल गाना होता है रक्षाबंधन का। संजीत कह रहे कुछ नहीं, सुनाइए भैया रक्षाबंधन का सॉन्ग। जी जी, ब्रजेश भारती, क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मजमाने की कोई चीज, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मजमाने की कोई चीज। बहुत सारा इमोशनल गाना है, मैं खुद गा नहीं पाता हूँ। ये राखी को ये राखी बंधन है ऐसा,
ये बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है। रमन ए सिंह, क्या बात है, बढ़िया है। आप कैसे हैं रमन जी? ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। संजीत शिकारी लिख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद भैया आपको सुनाने का मौका मिला है, क्या बात है। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन। चंदू यादव जी, क्या बात है, आप सभी को पावन पर्व रक्षाबंधन ढेर सारे। यश कुमार सर, मैं आपके स्टूडियो से एक सॉन्ग गाना चाहूंगा। जरूर जरूर फोन पे बात कर लीजिएगा यश कुमार जी, कई बार शायद मैं पहले भी बोला हूँ, बात कीजिएगा। चंदू यादव, चांद बता, आज के दिन भी चांद से पूछेंगे कि मेरा यार कैसा है। इंडी सिंह, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक बहन जो है ना, बहन जब घर में पैदा होती है तो लोग उसे लक्ष्मी कहते हैं। मैं दुनिया की सारी औरतों के बारे में बोल रहा हूँ। लड़का जब पैदा होता है उसे कोई नाम नहीं दिया जाता है, लोग कहता है पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न। आई एम एट वर्क जी जी, हाँ हाँ ठीक है। अब लक्ष्मी औरत जो है, लक्ष्मी का अवतार होती है घर में। अपने, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने बहन को जिंदगी में ऐसा कोई बात मत बोलिएगा जिससे उसको आंतरिक तकलीफ हो, मन में तकलीफ हो। बड़ा पावन रिश्ता है, भाई बहन का प्यार जो है बहुत ऊंचा दर्जा है इसका, ईश्वर भी मानते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण को सुभद्रा ने, उनकी बहन है, राखी बांधी थी, तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार आते रहा। तो आप ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे आपकी बहन को तकलीफ हो, क्योंकि उसकी दुआएं जो है ना आपको लगती है, उसके मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना ना हो, इसलिए उसको सदा प्यार कीजिएगा। वो प्यार करने की चीज है, बहुत मानती है आपको। कभी कभी आपको भाई तो मानते ही हैं, आपको पिता भी मानती है और पुत्र भी मानती है। बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन हमको बेटा की तरह पाली है, अपने पुत्र की तरह पाली है, क्योंकि उसकी शादी जब हुई तो मैं छोटा था, मैं 7 साल का था। बड़ी बहन जो है, आज उससे वीडियो कॉल पे बात है, हमारे जीजा जी हमको बेटा के तरह हमको मानते हैं, आज भी मानते हैं। बड़ी बहन माँ के समान होती है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है, इसलिए इस रिश्ते को आप लोग बरकरार रखिएगा। कभी ऐसा किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहन को गलत शब्दों का प्रयोग आप मत कीजिएगा। चंदू यादव करेंगे, सुना दो यार। ये गाना है शायद मन की आंखें का।
वो भी बहुत सुन, एक ही लाइन में सुना क्योंकि पूरा गाना याद नहीं रहता है। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है दिन साल में, आता है दिन साल में। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है दिन साल में, चले आना हर हाल में। भाई कहीं भी होता है, आज के दिन अपनी बहन के पास पहुंच जाता है राखी बंधवाने के लिए। अटूट प्रेम होता है ये, अगाध प्रेम है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस भाई बहन के प्यार को आप लोग बरकरार रखिएगा, कभी धूमिल मत होने दीजिए, कभी मिटने मत दीजिएगा। आप सभी से विनती है, मैं इसलिए दिन भर समय बीत गया, मैं इसलिए केवल लाइव आया थोड़ी देर के लिए कि एक आध गाने का मुखड़ा मैं सुना दूँ और इस बात को मैं बताऊं। अभी देखिए कोरोना भी अभी टला नहीं है। आज मैं इस रक्षाबंधन की उमंग में मैं नहा धोआ के फ्रेश हुआ, उसके बाद एक सामान घट गया, कुछ लाना था दुकान से, तब तक बारिश होने लगी, मैं कपड़ा पहना, छाता लिया, पैसा लिया, दुकान गया और ध्यान ही नहीं रहा कि मास्क भी लगाना है। मात्र 25 कदम पे है दुकान, ध्यान ही नहीं आया। मैं दुकान के पास पहुंचा, मुझे ध्यान है कि मैंने मास्क ही नहीं लगाया, जबकि सिस्टम आजकल है कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि मास्क लगा के आदमी निकलना है घर से। देखिए मैं लुंगी टाइप का पहना था, धोती, उसको मैं सुनाता हूँ चंद्र जी, मैं फिर नाक बंद करने लगा, फिर मैं सांस को रोकने लगा, जैसे तैसे वहां से भाग के आया। डर हो गया मुझे, क्योंकि मैं कभी ऐसा, मुझसे मिस्टेक होता नहीं है, लेकिन इंसान है, गलतियों का कठपुतला है, हो जाता है। रमन सिंह आपके लाइव में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू। चंदू यादव जी का एक गाना है, चांद बता तू मेरा यार कैसा है। अब तो याद भी नहीं आगे क्या है। चांद बता तू मेरा यार कैसा है, क्या उसे मेरी याद कभी आती नहीं, क्या उसे मेरी याद कभी आती नहीं। ऐ चांद बता तू मेरा यार कैसा है, चांद बता तू मेरा यार कैसा है। जी चंदू जी, आपकी छोटी सी, आपकी फरमाइश को मैं छोटे शब्दों में पूरा किया। सोनू कुमार जी लिख रहे हैं कि सर आप अपने दिल की बात होगा हमारे लिए बहुत बुरा है। मतलब सर अपने की दिल की बात होगा हमारे लिए बहुत बुरा है, क्यों सोनू कुमार जी, ऐसा क्यों, आपकी गायकी हो, क्या बात है। कल मेरा एक गाना रिलीज हुआ, आप लोग सुने होंगे, मैं उस गाने का एक लाइन सुनाना चाहूँगा, देखते हैं ध्यान आता है तो। और खासकर वो गाना मुझे अच्छा लगा, वो गाना हमको भी अच्छा लगा, प्रियंका सिंह देखने लगी। जी जी, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो गाना है, इस गाने को सुनिएगा, लिखेंगे इश्क की गली,
फेमस फिरोज जी, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैं गाना इसको सुनाऊंगा क्योंकि काफी रात हो चुकी है, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि दिन में हम लोग खाना नहीं के बराबर खाए, इतना सब वैरायटी बन गया कि वैरायटी ही खाते रह गए, खाना खाने का मन ही नहीं हुआ। थोड़ा सा ऐसे खाए खाना, उसी खाना को रात में खाएंगे, रात में खाना नहीं बनाएंगे जी। चंदू यादव जी, मगर पूरा नहीं, पूरा याद नहीं है चंदू जी। अनिश राव, क्या बात है, थैंक यू। सुनिए, कल गाने का रिकॉर्ड हुआ, बहुत सुंदर गाना, मेरा गाया हुआ है। इश्क की गली में आज तुम मुझको यूं छोड़ जा रहे हो, इश्क की गली में आज तुम मुझको यूं छोड़ जा रहे हो, क्या होगा तेरे उन वादों का जिनसे मुंह मोड़ जा रहे हो, इश्क की गली में आज तुम मुझको यूं छोड़ जा रहे हो, इश्क की गली में आज तुम मुझको यूं छोड़ जा रहे हो। इसका अंतर मैं सुना दूंगा, समझ कह रहे हैं, खास करके आपके सॉन्ग का पूरा सुनता हूँ, धन्यवाद। मजबूरी तेरी समझता हूँ, इतना नहीं हूँ इल्जाम तुझ पे दूँ कैसे, ऐसा बदगुमान नहीं हूँ जा रहे हो, इश्क की गली में आज तुम मुझको ये छोड़ जा रहे हो जी। ये कल गाना रिकॉर्ड हुआ, बड़ा अच्छा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। फेमस जी कह रहे हैं, सर आप अभी मुंबई में हैं या मुंबई में है? मुंबई में, मुंबई तो दिल की धड़कन है, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कहाँ जाना है। कर्म भूमि अपना बिहार है, जन्म भूमि और कर्म भूमि बम्बई है, जीना वहां था, अब बाकी यहाँ है। समुद्र में आ गए हम लोग, गोता लगाने, ये समुद्र है पूरा मुंबई, अभी जो बैठे हैं ये भी कभी का समुद्र है। एक फोन आ रहा है, थोड़ा इसको रुकना पड़ेगा। बहुत सारा कमेंट आ भी गया जी, फेमस जी हैप्पी रक्षाबंधन, ये बहुत बढ़िया, सबको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। रात ढल चुकी है, ज़्यादा नहीं, फिर हम, मैं चाह रहा हूँ कि दो तीन दोहे चौपाइयाँ आप लोग सुना दूँ। सर फेमस सुना, क्या लिखे हैं चंदू जी, सर फेमस सॉन्ग सुना दो आप, बोल बम सॉन्ग कुछ नया। बोल बम का गाना कोई मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग पहले से होता नहीं है, मेरे सारे खतों को तुम फिर से, फिर मुझे याद नहीं है ठीक से कुछ लाइन हो जाए, नहीं याद, ध्यान नहीं आ रहा। अपना गाना आदमी गाते जा रहा है, गाते गया पीछे भूलते गया, फिर नया होता है। मैं थोड़ा दो तीन चौपाइयाँ सुनाता हूँ, मेरा मन हो रहा है। सर आपको भी कॉल आया था क्या, कहाँ से आपको अभी, हाँ हाँ अभी कॉल आया था, अच्छा अच्छा आपको अभी कॉल आया था जी, आप ही का था क्या, देवा यादव, ओहो थैंक यू। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदर्शन
अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रकाश सिंह कह रहे कि थोड़ा सा अरे ये राखी बंधन है ऐसा। राजू खनुजा प्रणाम प्रणाम, पहले अब ये राखी बंधन सुनाना पड़ेगा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। चलिए बहुत सारी बातें हुई आप लोगों से, काफी रमन सिंह जी का बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा कमेंट आया, डिम्पी मिश्रा जी का बहुत सारा कमेंट आया। मैं दुनिया के सारे बहनों को, दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं, मैं उन सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं रक्षाबंधन की, कि खुश रहें। हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआएं हैं कि जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, हर हाल में खुशहाल रहें। ठीक है, आप लोगों से मिलके बातें करके। धर्मेंद्र कुमार राव, ओहो क्या बात है, कैसे हैं धर्मेंद्र बाबू, वाह 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 वाह। फेमस फिरोजीबाज सर, आप सिंगिंग में दिल जीत लेते हैं, ओहो क्या बात है। देवा यादव जी, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ नहीं, मैं कॉल कर लूंगा आपसे। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, वो सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, प्यार दीजिए, प्यार कीजिए। बड़े भाग्य से
बहनें होती हैं उनसे पूछिए जिनकी बहनें नहीं हैं। कभी ऐसा शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा कि बहनों को तकलीफ हो। बहना जो है अपने भाई को बहुत प्यार करती है। एक सच्चा प्यार पति से, सास ससुर से, माँ से, बाप से एक अलग रिश्ता है, लेकिन भाई को जो है ना वो जान देने के लिए तैयार होती है। मेरी एक बहन है, कहती है कि मेरा भाई अगर मुझसे जान मांगे तो मैं उसको दे दूंगी। बताइए कितना स्नेह है। कौन ऐसा भाई होगा जो बहन की जान मांगेगा। मेरी दोनों जो बड़ी बहनें हैं मुझे पुत्र की भांति वो लोग मुझे स्नेह दिया है, भाई की भांति नहीं, मुझे अपनी संतान की तरह। मेरे पिताजी के मरने के बाद, मेरे पिताजी को मरे हुए आज 34वां साल हो गया, जुलाई महीने में 28/7/1987 को हमारे पिताजी हमको छोड़ के चले गए। उस समय मैं 15.5 साल का था। मेरी दो बहनें बड़ी थी और एक भाई एक बहन छोटे थे। 5 भाई बहन हम हैं और हमारे भी बच्चे 5 हैं। 3 बहन 2 भाई हम हैं और हमारे भी बच्चे 3 लड़की और 2 लड़का है। आज एक लड़की अपने घर है, शादी कर जो हुई है मेहुड़ा में अपने ससुराल में। सब बच्चे यहाँ पे राखी एक दूसरे को बांधे। एक लड़की हमारी दूसरे लड़की को भी राखी बांधी, अपनी माँ को भी राखी बांधी और मुझे भी राखी बांधी। मेरी बहन के बदले हमारी बेटियाँ ही यहाँ पे राखी बांधती हैं। बहनों का राखी आ जाता है गांव से हर साल, इस साल नहीं आया कोरोना के चलते, तो उन्हीं के नाम पे ये राखी खरीद के हमारी बेटियाँ बांधती हैं। तो बेटी बहन भगनी ये दो नहीं होती है, सब एक ही होती है। तो एक बार मैं फिर सभी मित्रों को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप लोग खुश रहे। रक्षाबंधन एक साल में एक बार आता है। राखी धागों का त्यौहार, ये धागा का बंधन है, कच्चा धागा होता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है, तोड़िएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारा कमेंट आया सब देखिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे और लाइव आते रहेंगे आप लोग से रूबरू। देवा कह रहे हैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे मुंबई की तरफ से आप सभी मित्रों को ढेर सारी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, कोरोना टला नहीं है, इसका संकट अभी लगातार, आज भी 52,937 संक्रमित हुए हैं 24 घंटे में अपने देश में। 18.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं जिसमें 11 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात है। कल अमित शाह जी, कल हमारे बॉलीवुड के महानायक अमित जी, मतलब अमिताभ बच्चन जी, कई दिनों के बाद ठीक होकर अपने घर वापस आए। एक अमित जी घर आए और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल उन पॉजिटिव आ गए, कल वो अस्पताल में भर्ती हुए, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ये नानावटी से बाहर है। तो सुरक्षा बड़ा जरूरी है, सावधानी बरती है। ठीक है, शुभ रात्रि, आप सब खुश रहें, आपका दिन तो शुभ था ही, आपकी रातें भी शुभ हो। बस अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, भूलिएगा नहीं मुझे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, प्यार बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।